उत्तर प्रदेश में इन दिनों छोटी पार्टियों की बहार है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और ओवैसी से लेकर प्रियंका वाड्रा, सबको यही लगने लगा है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करने से ही लखनऊ की गद्दी आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए इन दिनों सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पूछ काफी बढ़ गई है और वे कभी ओवैसी तो कभी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मजे लूट रहे हैं। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल का है। अब केजरीवाल को भी राजभर से उम्मीदें दिखने लगी हैं। केजरीवाल और राजभर गठबंधन की बात करने में जुटे हैं। राजभर ने कहा कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। राजभर ने बताया कि उनके पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं पहल कर केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का समय निर्धारित किया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। मोर्चा के घटक दल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। बातचीत के परिणाम को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की बातचीत हुई है। यह पूछे जाने पर कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर तैयार होंगे, इस पर राजभर ने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, सभी का लक्ष्य भाजपा को रोकना है। विपक्षी दलों द्वारा महाराजा सुहेलदेव का अपमान करने के आरोप संबंधी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अनिल राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। इनमें से जिसे जब मौका मिला उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को सम्मानित कर राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। इस पर सफाई देते हुए राजभर ने कहा कि जब वह बहराइच गए ही नहीं तो फिर सैयद सलार मसूद गाजी के मजार और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर जाने का सवाल ही कहां से पैदा होता है। राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाने में छोटे दलों के निर्णायक भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूरन अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा और संजय निषाद को साथ रखना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज उनकी सरकार ही कांग्रेस युक्त हो गई है। भागीदारी संकल्प मोर्चा राजभर के नेतृत्व वाली छोटी पार्टियों का मोर्चा है। AIMIM ने हाल में घोषणा की थी कि वह 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा के साथ गठबंधन में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।